बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम काले चने की बहुत ही टेस्टी और मसालेदार रेसिपी शेयर करेंगे, जो कि बहुत टेस्टी होती है। थोड़ी डिफरेंट रेसिपी है और टेस्ट इसका आउटस्टैंडिंग है। आप एक बार बनाएंगे तो इसको बार बार बनाना चाहेंगे। इसके लिए यहाँ पर चने को सोख करके लेना है। चने को 4 से 5 घंटे भिगोना ज़रूरी है और फिर यहाँ पर उसको हम प्रेशर कुकर में ट्रांसफ़र करेंगे और चने से 2 इंच ऊपर तक पानी डालेंगे। इसको बॉईल करने के लिए यहाँ पर टेस्ट के हिसाब से नमक डालेंगे और यहाँ पर दालचीनी, काली मिर्च, फूल, इलायची और 2 से 3 लौंग डालेंगे। एक मीडियम साइज़ का आलू है, उसको छोटे छोटे पीसेस में कट करके डालना है और चने को गलने तक पका लेना है। चने को 100% कुक कर लेना है। तो जब चने गल जाएँ तो यहाँ पर देखिए, जो आलू है उसको सेपरेट कर लेना है, उसको अलग कर लेना है और जो यहाँ पर खड़े गरम मसाले हैं उसको भी अलग कर लेना है। फिर यहाँ पर कढ़ाई में हम तेल को गरम करेंगे। 1/4 कप तेल डालेंगे और तेल में हम डालेंगे 2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और इसको अच्छे से भूनना है जब तक कि इसका कच्चापन ख़त्म नहीं हो जाता। फिर हम इसमें 2 मीडियम साइज़ की प्याज डालेंगे पीस के और उसमें 4 से 5 हरी मिर्च, तो लाल मिर्च भी डालना है तो हरी मिर्च और लाल मिर्च अपने टेस्ट के हिसाब से डालें, जैसा तीखा आपको पसंद हो। फिर इसका पानी अच्छे से ड्राई कर लेना है। जब इसका पानी अच्छे से ड्राई हो जाए तो यहाँ पर नमक डालना है, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर है, 1 टेबल स्पून है धनिया पाउडर और 1 टीस्पून है लाल मिर्च पाउडर। सारे मसाले डालने के बाद फिर से इसको अच्छे से मिक्स करना है, इसको अच्छे से भूनना है। तो यहाँ पर देखिए, जब ये अच्छे से 1 से 1.5 मिनट में अच्छे से भून जाए, फिर हम इसमें टमाटर का पेस्ट ऐड करना है। 2 मीडियम साइज़ का टमाटर है, उसका पेस्ट बनाना है, उसको ऐड कर देना है। फिर से इसको अच्छे से भूनेंगे ताकि सारे मसाले अच्छे से भुन जाएं। तो इसको हम कवर करके 4 से 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पकाएंगे। 4 से 5 मिनट बाद देखिए, मसाले बहुत ही अच्छे से भुन गए हैं। तो फिर यहाँ पर देखिए, बॉईल किया हुआ चना ऐड करेंगे, उसमें जो पानी है वो भी ऐड कर देना है और फिर से इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, मैं थोड़ी सी इसमें ग्रेवी रखूँगी, अगर आपको ग्रेवी जितनी रखना है उस हिसाब से रखें। और इसको बस अच्छे से मिक्स करना है और थोड़ा सा फ्रेश हरा धनिया डालेंगे और इसको कवर करके 2 से 3 मिनट के लिए और पकाएंगे मीडियम फ्लेम पे। और 2 से 3 मिनट बाद देखिए, ज़बरदस्त सा चना मसाला बनकर तैयार है। लेकिन इसको और डिफरेंट और टेस्टी सा लुक देने के लिए और टेस्ट देने के लिए इसमें एक तड़का लगाएंगे, तो ये तड़का बहुत ज़रूरी है, जो इसके टेस्ट को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाएगा। तो तड़के के लिए पैन में हमने तेल को गरम करना है, 2 टेबल स्पून तेल डालना है, बहुत ज़्यादा तेल इसमें नहीं डालना है। 1/2 टीस्पून ज़ीरा डालेंगे, 2 से 3 लहसुन है उसको बस काट के डालना है, 2 से 3 हरी मिर्च है और जो बॉईल किया हुआ आलू हम निकाले थे वो है। सब कुछ अच्छे से इसको फ्राई करना है जब तक कि हल्का सा क्रिस्पी ना हो जाए आलू। थोड़ा सा कड़ी पत्ता भी डालेंगे, 4 से 5 पीस, और बस इसको अच्छे से पकाना है बस थोड़ी देर के लिए। फिर फ्लेम को हमने ऑफ़ करना है और ऑफ़ करने के बाद हम इसमें 1/2 टीस्पून डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च, इससे चने में कलर बहुत अच्छा आएगा। और तड़का हमने इसमें चने में पूरा डाल देना है। ये तड़के की वजह से चने का जो टेस्ट है बहुत ज़्यादा अलग हो जाएगा और बहुत ज़्यादा टेस्टी हो जाएगा। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत ही टेस्टी और यमी और बहुत ही मज़ेदार सा ये चना मसाला बनकर तैयार हुआ है। इसको आप रोटी, पराठा, चावल किसी से भी सर्व करें, बहुत अच्छा लगता है। उम्मीद है कि आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब करें, इससे मेरी आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचेगी। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।